नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा लागत की दो सड़कों का भूमि पूजन किया गया। तिलवाड़ा से किशनहरी की मड़िया तक बनने वाली 6 लाइन वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन किया गया। इसी तरह मेडिकल कॉलेज से बनने वाली जो की 4 लाइन की होगी पूजन किया गया। जबलपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान 50 करोड़ की लागत से बनने वाली इन दो सड़कों का राकेश सिंह द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर राकेश सिंह ने कहा कि सड़कों एवं विकास कार्यों में पूरी तरह पारदर्शिता बढ़ती जाएगी और गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश सिंह ने कहा कि अगर ठेकेदारी लापरवाही करता है तो उसे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि जबलपुर शहर में घोषित पहली 6 लेन रोड जो तिलवाड़ा से लेकर और पिसनहारी की मड़िया तक बनेगी, जिसमें साथ में नालियां, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण का भी काम होगा। लगभग 40 करोड़ की लागत से ये काम होने जा रहा है। इसके साथ आज दूसरा एक और काम भी, सर्वेंट क्वार्टर से लेकर धनवंतरी नगर तक 10 करोड़ की सड़क वो भी है, वो 4 लेन सड़क होगी। तो एक तरह से जबलपुर में प्रवेश के साथ ही विकास न केवल दिखाई देगा बल्कि लोग उसको महसूस भी कर सकेंगे। आने वाले समय में ये सारी संरचनाएं समृद्धि का कारण बने, ये हमारा प्रयास है। और उसके साथ आज संजीवनी क्लिनिकों का भी लोकार्पण है और अगले कुछ दिनों में विकास के अनेकों कार्य, उन सबके भी भूमि पूजन लोकार्पण के कार्य होंगे। ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार है जो पूरी संवेदनशीलता के साथ विकास के ऐसे कार्यों को तत्परता के साथ आगे बढ़ा रही है। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने पूरी दुनिया के सामने विकास का एक ऐसा मॉडल रखा है कि जिस मॉडल को हर कोई अपनाना चाहता है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।